उपायुक्त हमीरपुर के विशेष प्रयासों से जिला पुस्तकालय में आम पाठकों, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अन्य युवाओं को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। पुस्तकालय परिसर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के सहयोग से ई लर्निंग सेंटर स्थापित किया गया। उपायुक्त ने इस लर्निंग सेंटर एवं वाईफाई सुविधा का आज शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त ने बताया कि ई लर्निंग सेंटर में 10 कंप्यूटर, 2 प्रिंटर एवं स्कैनर तथा वाईफाई उपकरण स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला पुस्तकालय में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के अलावा अब यहाँ डिजिटल माध्यम से भी अध्ययन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान दौर में डिजिटल माध्यम से सूचना के आदान प्रदान की महत्ता को देखते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने यहाँ ई लर्निंग सेंटर स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि इसी पुस्तकालय में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा बनाए गए बुक बैंक के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने पुस्तकें दान की हैं। HG पब्लिकेशन दिल्ली ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काफी पुस्तकें समर्पित की हैं। उपायुक्त ने बताया कि पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तकालय परिसर में कैंटीन भी स्थापित की जाएगी। आज यहाँ पे हमने जिला पुस्तकालय जो हमारा हमीरपुर में है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये बना हुआ है, बहुत अच्छी एक बिल्डिंग है यहाँ पे और बहुत बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं रोज़ काफ़ी तादाद में। और उसी जो लाइब्रेरी की रिसोर्सेज को अपग्रेड करने के लिए और बच्चों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमने ज़िला रेड क्रॉस से एक डिस्ट्रिक्ट ई लर्निंग सेंटर का आगाज़ आज इस लाइब्रेरी के अंदर ही किया है। इसमें 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, 2 प्रिंटर्स मल्टीपर्पस और इंटरनेट की फैसिलिटी और फ्री वाईफाई की फैसिलिटी पूरे लाइब्रेरी बिल्डिंग में और इस ई लर्निंग सेंटर में दी गई है, ताकि आजकल के डिजिटल युग में जो भी पढ़ाई या जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अलग अलग फील्ड्स के बारे में सूचना होती है, वो उपलब्ध करने का सबसे सही और सबसे तेज़ और सबसे जल्दी तरीका है जो ऑनलाइन माध्यम से है। और कोविड के कारण और भी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर बढ़ गई है, तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं लगा कि सिर्फ ऑफलाइन किताबों के साथ साथ हमें एडिशनल इस तरह की रिसोर्स भी बच्चों को देनी चाहिए, यंगस्टर्स को देनी चाहिए, ताकि जो खुद अपने स्तर पे डिवाइसेस या इंटरनेट की फैसिलिटी जो है अपने घरों में कई बार उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, या प्रिंटर या स्कैनिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करने में या फिर उसको यूज़ करने में दिक्कत आती है, उनके लिए एक बहुत आसान और रेडी टू यूज़ एक एक्सेसिबल सेंटर जो है हमारे ज़िला हेडक्वार्टर्स में होना चाहिए। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट अपने एडुकेशनल स्तर के लिए, लिटरेसी के लिए और अलग अलग विभिन्न फील्ड्स में अच्छे बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन जो है लोगों ने हमीरपुर से जो है वो किया है, उसके लिए जाना जाता है। और इसी को हम इसी जो एक एनवायरनमेंट है, इसी की जो रुचि है, ऊर्जा है हमारे यंगस्टर्स में पढ़ाई लिखाई और कम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह की चीज़ों के लिए, उसको बरकरार रखना चाहते हैं और भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो इसी के लिए हमने कम्पिटिटिव बुक्स और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफिकली एक सेक्शन जो है ज़िला रेडक्रॉस के माध्यम से यहाँ पे वो भी शुरू किया है, जिसमें हमें अलग अलग संस्थाओं से और इंडिविजुअल से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबों को जो है डोनेट किया गया है। और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो खुद नहीं खरीद सकते किताब, वो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से इनको एक्सेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इनका नंबर हम और भी बढ़ाने वाले हैं, और हमारी जो पंजाब नेशनल बैंक की जो टीम है और इनकी एक बहुत बड़ा योगदान है, उनका जिक्र भी मैं करना, लीड बैंक ऑफिस की जो पूरी टीम है उनका बहुत बड़ा योगदान है हमें कंप्यूटर्स जो है मोबिलाइज कराने में और डोनेट खुद करने में, कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स। हमारे SBI की जो टीम है उन्होंने भी हमें डेस्कटॉप्स और कंप्यूटर्स जो है उनको डोनेट करवाने में बहुत मदद की है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स काउंसिल है उन्होंने भी जो है हमारे लिए यहाँ पे एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था जो है वो करवाई है, क्योंकि इतने सारे अगर सिस्टम्स एक साथ छोटे एक जगह पे होते हैं तो वहाँ पे गर्मी बहुत पैदा हो जाती है, और उसको काउंटर करने के लिए हमेशा ऐसे सेंटर के अंदर एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी ज़रूरी होती है। तो वो भी पर्याप्त रूप में सारी चीज़ों को अनुकूल करते हुए इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिली है लोगों से और विभिन्न संस्थाओं से। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनसे, उनके तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट और सुझाव कई बार आया था कि उनको जब पूरा दिन पढ़ाई करते हैं
तो उनको खाने पीने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत बैठने के लिए बाहर लाइब्रेरी में जब ब्रेक लेते हैं तो कुछ जगह की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम जल्द ही जो है काम शुरू करवाने वाले हैं यहाँ पे कैंटीन और सिटिंग एरिया का, बिल्कुल लाइब्रेरी के साथ में लगती हुई ज़मीन पे, और आशा करते हैं कुछ ही महीनों में वो कैंटीन भी सुचारू रूप से वापस चलने लगेगी।